वेलकम बैक टू कॉलेज ट्यूटर, दिस इज मैं रिचा। आई होप कि आपको जो मेरी वीडियोस हैं, जो कि हमने ADR से स्टार्ट किया है, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से ADR को पढ़ाया है सीक्वेंस में, और उसमें बताया कि ADR क्या होता है। ठीक है, ADR पहले जो कि पहले ही यूनिट में है। ठीक है, ADR के हमने नेसेसिटी के बारे में जाना, स्कोप के बारे में जाना। ठीक है, ADR जो है आखिरकार किस तरह से हेल्पफुल है हमने उसके बारे में भी जाना, उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही हमने दूसरे यूनिट में क्या पढ़ा, लोक अदालत के बारे में पढ़ा, है ना, विथ सेक्शन, और जाना कि आखिरकार उसका जुरिसडिक्शन क्या है। ठीक है, उसका पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, हमने उसको भी सेकेंड यूनिट में कम्प्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, और अगर आपने इन सब वीडियोस को नहीं देखी है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, तो आप जाइए मेरी पहली पुरानी जो वीडियोज है उसको देख लीजिए, तो आपको ये जो आगे आने वाली वीडियोज है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम पिछले वीडियोस में हम क्या करें, उसको पूरी अच्छी तरीके से सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप बीच से देखेंगे तो आपको समझ में ना आए, तो इसीलिए क्या करिए, आप पिछले वीडियोस को अच्छे से देखिए। ठीक है, अब हम इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे, और थर्ड यूनिट में हमने ऑलरेडी आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ लिया है थोड़ा थोड़ा, है ना, लेकिन आज की इस वीडियो में हम अब दोबारा से रिवाइज कर लेंगे कि आखिरकार आर्बिट्रेशन होता क्या है। ठीक है, और इस वीडियो में हम जानेंगे अच्छी तरीके से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में, क्या होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, किन किन के बीच में ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉर्म होता है, किस लिए फॉर्म होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सेक्शन में जाने से पहले पहले हम बात कर लेते हैं एक लेमैन लैंग्वेज में, सो दैट कि आपको एक ब्रीफ नॉलेज आ जाए कि आर्बिट्रेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। ठीक है, दोनों क्या हुआ, एक लीगल रिलेशनशिप में आए। लीगल रिलेशनशिप मतलब एक जिस दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ और वो लीगल रिलेशनशिप में आए। ठीक है, मान लीजिए कि अगर दोनों को मिलके क्या करना है, कोई फर्म खोलना है। ठीक है, या फिर मान लीजिए पार्टनरशिप में ही कोई कंपनी खोलना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, लीगल रिलेशनशिप में ही आके हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि नहीं चलो ठीक है खोल लिया, तुम खोल लिए मैं खोल लिए चलो ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों लीगल रिलेशनशिप में आएंगे तभी जाके आगे की जो उनकी जो प्रोसेस होती है एक कंपनी को फॉर्म करने को या फिर एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने को, वो आगे बढ़ेगी, है ना। तो मान लीजिए ये जो लीगल रिलेशनशिप इन्होंने क्या किया, फॉर्म किया, और इन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी डिस्प्यूट जब अराइज होगा इन फ्यूचर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और अपना जो डिस्प्यूट होगा उसे रिजॉल्व करवा लेंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, आर्बिट्रेशन। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, विद इन द कोर्ट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या, इस ये पार्टीज के डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एनसीएलटी वगैरह आ चुकी है। ठीक, वो भी क्या है, वो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अलग है, कोर्ट से अलग है, है ना। तो जो आर्बिट्रेशन होता है वो विद इन द कोर्ट नहीं होता, लेकिन वो आउटसाइड द कोर्ट जो होते हैं उसमें मैटर को रिजॉल्व किया जाता है, उसी को हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक, अब आइए आगे हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 2, ठीक है, सब क्लॉज 1A ऑफ द एक्ट डिफाइंस किसका, आर्बिट्रेशन एंड जो कंसिलिएशन एक्ट है। ठीक है, उसमें आप जब देखेंगे तो आपको सेक्शन 2 क्लॉज सब क्लॉज 1 और A का जो ये एक्ट में डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट इज आर्बिट्रेशन मींस एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कोई भी आर्बिट्रेशन, ठीक है, जो कि एडमिनिस्टर करी जा रही है या ना करी जा रही है, इसीलिए लिखा है वेदर और नॉट आर एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है परमानेंट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके की सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या, एक तरीके से परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो कि क्या की जा रही है, एडमिनिस्टर करी जा रही है या नहीं की जा रही है, उसको हम कहेंगे क्या, आर्बिट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है हैंसबरी के द्वारा,
जो कि डिफाइन करते हैं कि आर्बिट्रेशन को बता रहे हैं वो, ठीक है। आर्बिट्रेशन इज रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन क्या होता है? वो रिफर किया जा रहा है डिस्प्यूट को, ठीक है, बिटवीन नॉट लेस देन टू पार्टीज। अब ये जो पार्टीज हैं यही क्या कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं, ठीक है, अपने डिस्प्यूट को, कि भाई हम इस आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करेंगे। अब ये जो रिफर किया जा रहा है वो नॉट मोर देन टू पार्टीज, मतलब दो पार्टीज रहेंगी, ठीक है, फॉर डिटर्मिनेशन आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स इन अ जुडिशियल मैनर। एक तरीके से जो आर्बिट्रेशन होता है वो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी ये बताया होगा, वो सेमी जुडिशियल होता है, ठीक है। क्या होता है, जो आर्बिट्रेशन होता है वो पूरा जुडिशियल नहीं होता, वो सेमी जुडिशियल होता है, ठीक है। तो जुडिशियल मैनर बाय अ पर्सन और पर्संस अदर देन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, अदर देन अ कोर्ट, जैसे मैंने क्या आपको बताया, ये आउटसाइड द कोर्ट रिजॉल्व किया जाता है, तो इसलिए अदर देन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, लेकिन उसका जो जुरिस्डिक्शन होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, आर्बिट्रेशन इज रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज फॉर डिटर्मिनेशन आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, दोनों के साइड्स को हियर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का जो ऑडी ऑल्टरम पार्टम होता है, मतलब दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को यहाँ मिलता है, ये स्ट्रॉन्गली यहाँ पे एडीआर में एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए बोथ साइड्स ऑफ द पार्टीज को हमें सुनना चाहिए इन अ जुडिशियल मैनर, ठीक है, मोर ऑफ अ जुडिशियल मैनर में, ठीक है, बाई अ पर्सन और पर्संस अदर देन अ कोर्ट, जो कि एक पर्सन होगा या पर्सन्स होंगे लेकिन वो कोर्ट के बाहर होंगे, मतलब कोर्ट के बाहर एक तरीके से अदर देन कोर्ट, मतलब कोर्ट नहीं होगा लेकिन कोर्ट के बाहर होगा, ठीक है, ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, और जो उनका जुरिस्डिक्शन होगा वो कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ना कि वो नहीं होना चाहिए कि भाई उसकी कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, वैलिडिटी ही जिसकी नहीं होगी आगे चल के, अगर वो कुछ भी ऐसा कहता है, जैसे ग्राम पंचायत जो हमारा ये पंचायत सिस्टम था, वो लोग पंच लोग जब देते थे, जो भी जो धीरे धीरे क्या हुआ, जब टाइम आया तो उनके जो डिसीजंस होते थे वो इवेड होने लगे, करेक्ट, तो इस वजह से उनका कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठने लगा, है ना, तो वैलिडिटी उनकी नहीं रह गई, देयरफॉर दे आर सेइंग कि कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन होना जरूरी है। तो ये हेल्सबरी ने डेफिनेशन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में, आर्बिट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इसमें मैं बस आपको बता दूंगी कि इतने टाइप्स के होते हैं, ये उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे बोल सकते हैं, आई विल मेक वीडियोस ऑन दिस ऑल्सो, अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, पीपीटीज में या एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो आई विल मेक इट, ठीक है। तो टाइप्स कितने होते हैं, पहले होते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, ठीक है, फिर दूसरा होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक मतलब जो कि हमारे इंडिया में ही हो, ठीक है, उसको हम डोमेस्टिक बोलेंगे। इंटरनेशनल मतलब जो इंटरनेशनल बेसिस पे हो, ठीक है, एक मान लीजिए कंपनी सॉरी मान लीजिए कि एक मुंबई में कंपनी है, ठीक है, और एक मान लीजिए कनाडा में कंपनी है, तो ये क्या हो गया, अब इनके जो मैटर्स होंगे वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो एक तरीके से हम उस बेसिस पे लिया जाएगा, ठीक है। आगे बात में एडहॉक आर्बिट्रेशन, ये है तीसरा। चौथा क्या है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। पांचवा है स्टैट्यूटरी और आर्बिट्रेशन, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन हो गए, अगर आपको इन पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं फिर इस पे आप सबको वीडियोस बना के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। तो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1990 जो 6 है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो जो शेड्यूल 2 है उसमें उसमें आप देखेंगे सेक्शन 7, 8, 9 जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से ही रिलेटेड है, उसके बारे में बात किया गया, ठीक है। तो सेक्शन 7 बेसिकली हमें बताता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक। तो हम चलिए जानते हैं, पढ़ते हैं बेयर प्रोविजन को, जो कि ये बेयर प्रोविजन मतलब जो बेयर एक्ट का प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद समझते हैं। इन दिस पार्ट सबसेक्शन 1 इसका कहता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, इन दिस पार्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट means an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have been arisen or which may arise between them in the respect of a defined legal relationship, whether contractual or not contractual, ठीक है। अब
अब ये जो एग्रीमेंट हो सकता है वो क्या होगा, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल भी होगा, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, और नहीं भी अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो भी ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब ही होता है कि जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, आर्बिट्रेशन को सबमिट कर देती हैं, या तो उनके पूरे डिस्प्यूट को या हाफ ऑफ द सर्टन डिस्प्यूट्स को, ठीक है, जो कि अराइज होगा या फिर अराइज हुआ है बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में हुआ है विथ रिस्पेक्ट ऑफ अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप जो कि उनके बीच में एक तरीके से फॉर्म हुआ था उस पे जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, वेदर वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है और नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट के नहीं भी बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। आगे बात में ये सबसेक्शन वन कहता है। सबसेक्शन टू क्या कह रहा है, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए ए और बी जो है वो दोनों क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, दोनों एक क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। अब उसमें क्या होगा, एक क्या होगा, आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, बहुत सारे क्लॉज होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये जो क्लॉजेस होते हैं अलग अलग मतलब होते हैं कि भाई ये करना है, परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, वो सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ रहता है। तो बेसिकली उसमें ये जो होते हैं ना, इन सबको हम क्या कहते हैं, उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज से कहते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट। अब ये जो ये क्या होगा, आर्बिट्रेशन क्लॉज जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा, ठीक है, उसमें सारे मैटर्स को डिस्कस किया गया रहेगा। अदरवाइज वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट एक एग्रीमेंट भी बना सकते हैं कि भैया अगर मान लीजिए कि ये जो कुछ भी डिस्प्यूट अराइज होता है, हमें अगर इस आर्बिट्रेटर के पास जाके रिजॉल्व करवाना है, तो उसके लिए वो आर्बिट्रेशन मतलब जो क्लॉज हो गया जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है, वो क्या कर सकते हैं, वहां पे भी वो मेंशन कर सकते हैं, प्लस अदरवाइज वो सेपरेट से भी एक आर्बिट्रेशन, ये सेपरेट से भी क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना सकते हैं, जिसमें कि वो बता सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम इन फ्यूचर क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेटर को कंसल्ट करेंगे, ठीक है, उसके पास जाके अपना जो डिस्प्यूट होगा, मैटर होगा, उसे रिजोल्व कराएंगे। गॉट इट, ये हो गया हमारा सबसेक्शन टू। अब आते हैं हम अपने सबसेक्शन थ्री में, जो कि कहता है एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बता दें कि जो ओरल तरीके से जो होगा, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो जो एग्रीमेंट हो, मतलब उसमें तो क्या ही बोले, जैसे एक मैं मुंह से बोल रही हूँ, सामने वाला भी मुंह से बोल रहा है, तो उसमें अगर कोई एग्री कर लेता है तो दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट हियर, बल्कि अगर मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें रिटन होना चाहिए। रिटन होगा तभी जाके उसको मतलब वजूद दिया जाएगा, एक तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि हाँ आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया है इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, तभी जाके आपका जो केस होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। सबसेक्शन फोर क्या कहता है, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट कंटेन्स। अब जो राइटिंग में होगा अगर वो कंटेन करेगा क्या, ठीक है, उसको ही हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मानेंगे। जैसे कि अ डॉक्यूमेंट साइन बाय बोथ द पार्टीज, अब ये जो एक डॉक्यूमेंट होगा, मान लीजिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट था या फिर सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, ठीक है, वो क्या होगा, अ डॉक्यूमेंट हो गया, ये दोनों ही है ना, अभी साइन बाय बोथ द पार्टीज, अब दोनों पार्टी से ये साइन होगी, ठीक है। एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, दोनों ने क्या किया, अदला बदली की लेटर्स के अपने, ठीक है, टेलेक्स, टेलेक्स मतलब एक तरीके से जो टाइपराइटर होते हैं, ठीक है, या फिर टेली प्रिंटर होते हैं, आपने देखा होगा टाइपराइटर्स वगैरह देखा होगा ना, तो उस वैसे ही कुछ होता है टेलेक्स, ठीक है, टेलीग्राम्स और अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज वेल। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब मान लीजिए आजकल जो ईमेल्स हो गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आपके व्हाट्सएप्स के भी मतलब ये सब भी आ सकते हैं, सो वो सब भी हो सकता है, ठीक है, आ सकते हैं आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, विच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट, जो कि एक तरीके से रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है आपके एग्रीमेंट का, ठीक। एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, ठीक है, अब मान लीजिए एक पार्टी जो है वो क्लेम कर रहा है, दूसरा पार्टी क्या है उस पर डिफेंस कर रहा है,
in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by other party, ठीक है, जिसमें कि वो एक क्लेम कर रहा है, एक डिफेंस कर रहा है अपने आप को, ठीक है, जिसमें कि वो बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि एक पार्टी क्या कर रहा है, एलिज कर रही है, वो ये उसको बोल रही है, बता रही है कि ठीक है कि ऐसा है, ठीक है, दूसरा पार्टी लेकिन उसको डिनाई भी नहीं कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो क्या होगा, ये सब आ जाएंगे किसमें, आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है वो रिटन में है, ठीक है। तो ये हो गए क्या सब क्लॉज 4 के, जो उसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें दी हुई दी गई हैं, जिसको ही हम बोलेंगे कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में होगा जब ये सारी चीजें उसमें रहेंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सब क्लॉज 5 पढ़ते हैं। द रेफरेंस इन अ कोर्ट टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, क्या बोल रहे हैं, जो रेफरेंस है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का, उस डॉक्यूमेंट का, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक तरीके से डॉक्यूमेंट ही, जिसमें कि आर्बिट्रेशन क्लॉज है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन रिटन एंड द रेफरेंस इज सच एज टू मेक दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ईजी है ना, इसमें कुछ है ही नहीं समझने को। तो ये हो गया हमारा पूरा क्या, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो क्लॉज है, जो कि जो सारे हमने सब क्लॉजेस पढ़े हैं सेक्शन 7 के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है, ये पूरे 5 जो सब क्लॉजेस हैं हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है, पहला क्या होगा, पहले तो क्या होगा, आप दोनों एग्री करोगे, दोनों का कंसेंट होगा, ठीक है, दोनों का जब कंसेंट होगा तब जाके क्या होगा, वहां पे डिस्प्यूट अराइज होगा, ठीक है। अब जब डिस्प्यूट अराइज होगा, ठीक, उसके बाद क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेटर चुनेंगे, ठीक है, आर्बिट्रेटर चुनेंगे, ठीक, उसके बाद क्या होगा, वो जो आर्बिट्रेटर है वो आप जब अपना मैटर है, जो डिस्प्यूट है वो लेके जाएंगे कहाँ पे, आर्बिट्रेशन में, ठीक है। तो ये वही डेफिनेशन एक तरीके से बता रहा है कि जब आप दो पार्टीज होंगी, ठीक है, वो एक लीगल रिलेशनशिप में आएंगी, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, ठीक है, एक तरीके से वो क्या होगा, आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट फॉर्म करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगी, ठीक है, और अगर वो फिर डिसाइड करेंगी, इन केस अगर फ्यूचर में क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो दोनों जो पार्टीज हैं एक आर्बिट्रेटर जो है उसके पास जाएंगी और अपना जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करवाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए पढ़ते हैं अब सेक्शन 8 के बारे में, पावर टू रिफर पार्टीज आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। अब किसके पास पावर है कि जो पार्टीज है उनके जो मैटर है जो कि आए हुए हैं, ठीक है, उनके पास वो रेफर कर सकते हैं आर्बिट्रेशन में, ठीक है, वो जो अपना जो भी डिस्प्यूट लेके आए हुए हैं, ठीक है, वेयर देर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अगर वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उनके पास है, ठीक है, एक तरीके से ओरिजिनल उसकी डॉक्यूमेंटेड कॉपी है उनके पास, कॉपी नहीं ओरिजिनल, ठीक है, और अपना वो मैटर लेके आते हैं कहाँ पे, कोर्ट में, तो क्या कोर्ट के पास पावर है कि वो रेफर कर सकती है उनके मैटर को आर्बिट्रेशन में, तो इसी के बारे में इस सेक्शन में बात की गई है, सेक्शन 8 में। तो सबसेक्शन क्या कहता है, 1, अ जुडिशियल अथॉरिटी, एक जुडिशियल अथॉरिटी बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉट, जिसके सामने एक्शन लाया गया, मैटर लाया गया है, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो गया, इन अ मैटर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो कि कोई भी मैटर है जो कि सब्जेक्ट किसका है, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, शाल इफ अ पार्टी टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू अंडर हिम, ठीक है, जो कि क्लेम कर रही है कि भैया ये जो हमारा मैटर है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे नहीं बल्कि ये आर्बिट्रेशन में जाके रिजॉल्व किया जाना चाहिए, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर अप्लाइज नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सबमिटिंग हिज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द सब्सटेंस टू द डिस्प्यूट द सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर एनी कोर्ट, रिफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अनलेस इट फाइंड्स दैट प्राइमा फेसे नो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट, ठीक है, अनलेस उनको लगता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया या कोई भी अदर कोर्ट हो गया, अनलेस एंड अंटिल उनको लगता है कि कोई भी वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्या कर सकते हैं, उनके जो डिस्प्यूट है अगर उनको लगते हैं कि भाई ये आर्बिट्रेशन में जाके रिजॉल्व किए जा सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वहां पे रेफर कर सकते हैं आर्बिट्रेशन को, ठीक है, ये सबसेक्शन
वन कहता है, सबसेक्शन टू क्या कहता है, सबसेक्शन टू कहता है द एप्लीकेशन रिफर टू इन सबसेक्शन वन, जो कि एप्लीकेशन जो कि उन्होंने रिफर किया है सबसेक्शन वन में ऊपर जो सबसेक्शन है, शैल नॉट बी एंटरटेन, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, वो उसको रेफर नहीं करेंगे, ठीक है, एंटरटेन नहीं करेंगे। और ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ, या फिर ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी उसका हो, ठीक है, जो कि सर्टिफाइड हो, ठीक है। तो इसके बारे में सबसेक्शन टू में बात की गई है, ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसमें क्या प्रोवाइडेड, इसका ये प्रोविजो है, ठीक है, provided that where the original arbitration agreement or certified copy thereof is not available, अगर वो पार्टी के पास नहीं है जो कि क्या कर रही है, application file कर रही है, ठीक है, with the party applying for reference to arbitration, जो कि चाह रही है कि ये arbitration में जाए under subsection 1, जैसे कि subsection 1 में हमने बात किया, and the said agreement or certified copy is retained by other party, और दूसरे पार्टी के पास वो जो उनके सर्टिफाइड कॉपी जो ओरिजिनल जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, या जो जो भी उनका डॉक्यूमेंट है वो क्या है, अदर पार्टी के पास है, टू दैट एग्रीमेंट, देन द पार्टी सो अप्लाइंग शाल फाइल सच एप्लीकेशन along with a copy of arbitration agreement and a petition praying the court to call upon the other party. तो जो पहली पार्टी होगी जो कि ऐसा क्लेम कर रही है, जो कि ऐसा बोल रही है, वो क्या करेगी, वो कोर्ट को क्या करेगी, बोलेगी कि आप इस पार्टी को बुलाइए और ठीक है प्रोड्यूस द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उसको बोले कि वो प्रोड्यूस करे ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और इट्स ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी बिफोर दैट कोर्ट, उस कोर्ट के सामने वो क्या करे, उनको वो जो कि ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी है या फिर जो भी ओरिजिनल कॉपी अगर उसके पास है तो वो लाके कोर्ट के सामने पेश करे, ठीक है। सबसेक्शन थ्री क्या कहता है इसका, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन वन, जो कि एप्लीकेशन सबसेक्शन वन में जो पहली पार्टी उसके द्वारा फाइल की गई है, एंड दैट द इशू इज पेंडिंग बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल अथॉरिटी, मान लीजिए कि अगर जो इशू है वो पेंडिंग है अभी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने, एन आर्बिट्रेशन मे बी कमेंस्ड, लेकिन फिर भी आर्बिट्रेशन जो है वो कमेंस हो सकता है, मतलब स्टार्ट किया जा सकता है और कंटिन्यू भी किया जा सकता है, एंड एन आर्बिट्रल अवार्ड मेड, और आर्बिट्रल अवार्ड जो है डिसीजन जो है वो भी बनाया जा सकता है, इवन इफ जो जुडिशियल अथॉरिटी के सामने जो उनका मैटर है वो पेंडिंग रहेगा तो भी, ठीक है, आगे बात समझ में। जो एप्लीकेशन है बेसिकली जो उसने फाइल की है कि भाई सामने वाली पार्टी को बुलाइए और आप उसको बोलिए कि ये सब मतलब ये जो हमारा जो जो सबसेक्शन वन बेसिकली यही कहता है ना कि जो हमारा केस है उसको रिफर करिए आर्बिट्रेशन में, अगर उसने एप्लीकेशन ऐसा फाइल की है और अगर वो पेंडिंग है जुडिशियल अथॉरिटी के सामने, उसके बावजूद भी क्या हो सकता है, आर्बिट्रेशन क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है, और आर्बिट्रेशन में जाके उसका आर्बिट्रल अवार्ड भी वो पास मतलब दे सकते हैं डिसीजन, ठीक है, जिसे हम इसमें कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड एडीआर में, ठीक है, आगे बात समझ में। तो आज हमने इसके बारे में जाना सेक्शन 7 के बारे में जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बात कर दी, और सेक्शन 8 के बारे में जो कि पावर किसके पास है या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर एनी अदर कोर्ट जो कि वो क्या कर सकती है, रेफर कर सकती है जो भी पार्टीज के जो जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है जो कि पार्टीज लेके आ रही है, वो चाहती हैं कि जो हमारा क्या है जो डिस्प्यूट है वो चाहती हैं कि वो आर्बिट्रेशन में रिजॉल्व हो सकता है, वो अगर ऐसा कहती हैं तो वो जो भी जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो क्या कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, कैसे, हमने उसको सेक्शन 8 में अच्छे तरीके से जाना है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टूडेज लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना जरूर ना भूलें, क्योंकि ये जो वीडियोज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी इंसान के लिए काम आ सकती है जिनका कि ये सब्जेक्ट होगा, जिनका कि एग्जाम आने वाला होगा, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टूडे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।